हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। लेसन नंबर 41 में भी हमने IBPS PO 2017 के मेंस के पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व किए, उनको डिस्कस किया, उनको समझा और उसका लेवल देखा। आज हम फिर से IBPS PO मेंस 2018 के पेपर में क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आपकी बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर है, आप आर्ग्यूमेंट पहचानते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रीमाइसिस और कंक्लूजन दोनों दिख रहे होंगे, और अगर नहीं दिख रहे होंगे तो उसे कैसे देखना है आज हम फिर से देखेंगे, फिर से समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्शंस पहले देखते हैं हमेशा, और आप चाहें तो पहले इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और मैं भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और हम देखेंगे कि क्या सवाल पूछे गए हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। इस बार मैंने जो 2018 के जब पेपर में मैंने देखा तो जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, बट अगर आपकी बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर है तो आप किसी भी ट्रिकनेस में नहीं फंसोगे, ठीक है। कोई भी एम्बिग्यूटी आपको नहीं आएगी और एकदम क्लियरली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पैसेज थोड़े से लेंदी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन जहाँ ज़्यादा पैसेज होगा, जितना ज़्यादा हम इंटरप्रेट करेंगे, हमें उतना ज़्यादा गैस करने की कम आवश्यकता पड़ेगी, यानी एम्बिग्यूटी हमारी कम हो जाएगी। जहाँ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी वहाँ एम्बिग्यूटी कम होगी। थोड़ी सी मेहनत के बाद सवाल बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ इन्फॉर्मेशन कम होती है वहाँ एम्बिग्यूटी ज़्यादा होती है, और वहाँ एम्बिग्यूटी होने की वजह से हमारे सवाल गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमें बहुत ही ज़्यादा संभल के रहना होता है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। पहला पैसेज पहले पढ़ेंगे हम, जैसे हमेशा हम करते हैं। द क्वेस्ट फॉर लो प्राइस मीट, ये हम कर रहे हैं। द क्वेस्ट फॉर लो प्राइस मीट इन एन एम्पल अमाउंट हैज़ गिवन राइज to factory farms where livestock is being kept in inhumane conditions। अब पहले स्टेटमेंट यानी पहले प्रीमिस में इन्होंने हमें सारी वो उससे इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम पूरे पैसेज का जिस्ट क्या होने वाला है। यहाँ पर बात बहुत सारी चीज़ों की हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एक लो प्राइस्ड मीट की, ठीक है। ये कुछ मीट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो बहुत ही कम या सस्ते दामों में प्रोवाइड किया जाएगा, एम्पल अमाउंट में, ठीक है। यानी कि हमें क्वांटिटी बढ़ानी है और रेट्स को कम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा? अब फैक्ट्री फार्म्स की यहाँ बात की गई है। इट हैज़ गिवन राइज टू, इसका एक इफेक्ट आया है क्या कि कुछ फैक्ट्री फार्म्स बनना शुरू हो गए जहाँ पर लाइफ स्टॉक को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखना शुरू कर दिया गया होगा, और इनह्यूमन कंडीशंस देखने को वहाँ मिल रही हैं हमें, ठीक है। इनह्यूमन कंडीशंस, एक स्टेटमेंट, एक प्रीमाइस से आपने पूरे पैसेज के बारे में यहाँ बहुत कुछ बता दिया हमें। हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। वॉट हैज फॉलोड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इज पैंडेमिक्स लाइक एवियन फ्लू। अब अगर आप लाइव स्टॉक को यानी कि एनिमल्स को आपने रखा है इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर, और वो भी फैक्ट्री फार्म्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि आप लो प्राइस मीट बना सकें, इट हैज़ रिजल्टेड इन एवियन फ्लू, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लू के बारे में बताया, और अभी रिसेंटली ये चल रहा है हमारे देश में। इस समय बर्ड फ्लू का थोड़ा सा एक एंट्री हुई है और बहुत सारे स्टेट्स में इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है इस चीज़ को लेकर के। एवियन फ्लू सुनने में आया, इसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। ग्लोबली लाइफ स्टॉक इज बीइंग रेज्ड अंडर क्रैम्प्ड कंडीशंस इन एन आर्टिफिशियली लिट एनवायरनमेंट। अब वहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से लाइट को वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप पोल्ट्री फार्म्स में कभी गए होंगे तो वहाँ पर बल्ब्स होते हैं, बहुत ही हैवी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा पावर का, ताकि हीट वहाँ पर प्रोड्यूस की जा सके, ताकि मुर्गियाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे सकें। दे आर इंजेक्टेड विद ग्रोथ हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूज टिल द टाइम दे आर स्लॉटर्ड। जब तक उनको स्लॉट नहीं कर दिया जाता, उनका मीट बनाया नहीं जाता, उनको काटा नहीं जाता, तब तक उनको एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स को किसी तरह ग्रो करने के लिए जो है इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आर्टिफिशियली उनको बड़ा किया जाता है और किसी तरह उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है। मीट प्रोडक्शन इज़ वाटर इंटेंसिटिव एक्सरसाइज। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है कि मीट प्रोडक्शन जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव एक्सरसाइज होता है, बहुत पानी की खपत होती है उसमें। Approximately 15,000 liter, 15,000 liters of water is needed for every kilogram of meat compared to 3,400 liters for rice, 3,000 liters for eggs and 255 liters for a kilogram of potatoes। यानी कि जितना आप 255 लीटर पानी आप इस्तेमाल करते हैं कुछ किलो पोटैटोज़ के लिए, उसका कितना ज़्यादा गुना, कम से कम आप देखो 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट, बहुत ज़्यादा पानी की खपत होती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये तो बता दी, पहले प्रेमाइस में आपने क्लियरली बता दिया कि लाइफ स्टॉक के साथ क्या दिक्कत आती है, इनह्यूमन कंडीशंस की बात की आपने, और आपने बात करी एवियन फ्लू की, और आपने बात की एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की जिनको ग्रो करने के लिए उनको इंजेक्शंस दिए जा रहे थे, और उसके बाद एक वाटर इंटेंसिटी वाली प्रॉब्लम दी है आपने कि पानी की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, हो रही हैं या दिखती है हमें क्लियरली। ऑथर ने हमें क्या बताया था पहले प्रेमाइस में वो हमें जस्ट क्लियर हो चुका है, हम अपने इमोशनल सेंस से भी समझ चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब सवाल यहाँ पूछा है, बहुत ही क्लियर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। ना इन्होंने कंक्लूजन पूछा, ना इन्होंने इन्फरेंस पूछा, और ना ही इन्होंने कोई कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है। अभी यहाँ पर क्लियरली बोला एक रैशनल मैसेज जो कन्वे होता है पैसेज से, यानी आपने जिस्ट के बारे में पूछ लिया हमसे कि क्या मैसेज कन्वे होता है। अब यहाँ से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रही है, ऑब्वियस ही बात है, आप यहाँ से हमें एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहे हैं, एक रैशनल मैसेज क्रिएट करेंगे। क्या हमें मैसेज देना होगा अथॉरिटीज़ को या लोगों को, इस बारे में बताना होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे तो हमें आसानी होगी इमेजिन करने में कि क्या आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, mass production of meat through industrial farming is cheap and is suitable for providing protein nutrition to poor countries। क्या पूरे पैसेज में हमें कहीं से ये लॉजिकल क्लेम दिखा, ये इन्फ्रेंशियली क्लेम होता हुआ दिखा कि प्रोटीन न्यूट्रिशन पुअर कंट्रीज़ के लिए सूटेबल होता है और इसीलिए ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की मास प्रोडक्शन की हमें आवश्यकता है और ये बहुत ही सस्ता है। ये हमें बताया गया था, शुरू में ही बताया था, चीप के बारे में बात हुई थी, इको हुआ था, लेकिन क्या ये इस चीज़ को प्रूव करता हुआ दिख रहा है? जी नहीं, आपने तो इनह्यूमन कंडीशंस की बात की है अभी तक, आपने वो प्रॉब्लम्स उजागर की हैं जो मीट प्रोडक्शन से दिखी हैं हमें अभी तक, ना कि आपने हमें इस तरीके की बात बताई कि इसका कुछ एडवांटेज भी होता है। तो ये तो कहीं से भी मैसेज हमें नहीं दिखा, बिल्कुल रैशनल नहीं है, इरैशनल मैसेज होगा थ्रू आउट, अगर हम पैसेज का जिस समझ चुके होंगे तो। बी देखते हैं, मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री वायलेट्स द लॉ अगेंस्ट क्रूएल्टी टू एनिमल्स। क्या हमें एनिमल्स पर क्रूएल्टी होते हुए, ऑब्वियसली क्रूएल्टी को तो हमें दिखी जब आप उनको आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हो और उनका ग्रोथ कर रहे हो, आप उनको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख रहे हो जहां पर उनके साथ क्रूएल्टी तो हो ही रही है, लेकिन कहीं ये वायलेट करता है किसी लॉ को, क्या ऐसा कोई हमें ऐसा जिस्ट हमें सामने आते हुए दिखा? हाँ, बाद वाली बात तो ठीक है, क्रूएल्टी वाले तो हमें एलिमेंट दिखा, पर क्या हमें कोई वायलेशन ऑफ द लॉ दिखा? क्या कोई ऐसा कानून है जो बताता है कि लाइफ स्टॉक को कैसे रखना चाहिए? क्या अगर हमें ऐसा कोई कानून होता भी हो या इमोशनल सेंस से हमें पता भी हो तो क्या हमारे पैसेज में उसका जिक्र हुआ है? जी नहीं। लॉजिकल सेंस से मैं क्लियरली बोलूँगा कि मुझे कोई वायलेशन ऑफ लॉ के बारे में बात करता हुआ ऑथर नहीं दिखा। हाँ, क्रूएल्टी के बारे में उसने बात ज़रूर करी, पर उसने तो एक प्रॉब्लम उजागर की है, उसका सोल्यूशन क्या है? क्या किसी लॉ के तहत उसको उनको वहाँ पर लाइफ स्टॉक को रखना होता है? ऐसा कुछ एसओपी हमें नहीं मालूम, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें नहीं मालूम। अभी तक जितनी पैसेज में इन्फॉर्मेशन है मुझे इतना मालूम है कि कोई लॉ ऑफ वायलेशन की कोई बात अभी तक कन्वे होती हुई नहीं दिखी, तो मैं इसको भी रिजेक्ट करूँगा। बहुत ही क्लोज आंसर था, बट इसको रिजेक्ट करने के रीजन्स हैं हमारे पास। चलिए सी देखते हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज अनडिजायरेबल एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अब मास प्रोडक्शन से बहुत सारी चीप मास प्रोडक्शन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमने कर लिया है, ये तो हमें वहाँ से कंटेंशन प्रूव होता हुआ दिखा। पानी की खपत ज़्यादा होती है, इसके अलावा जो है आप वहाँ पर एवियन फ्लू का खतरा बढ़ जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई जैसे आपने इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ एनिमल्स यानी क्रूएल्टी कर रहे हैं आप एनिमल्स के ऊपर, ये भी एक दिक्कत है। तो एक मैसेज के तौर पर इस आंसर को बहुत अच्छे से लिया जा सकता है। इंडस्ट्रियल फार्मिंग बहुत ही अनडिजायरेबल चीज़ है क्योंकि पानी की खपत ज़्यादा है, हम बाद में एनवायरनमेंट पे भी दिक्कत आएगी, तो बहुत ही अच्छा आंसर हो सकता है, ये बहुत ही प्रोबेबल आंसर हो सकता है, इसके होने के चांसेस 80 to 90% है। ये कोर्स ऑफ एक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसमें बोला एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। जब आप मैसेज बोल रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन दे सकते हो उसमें, आप बिल्कुल क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन भी आपका उसमें आएगा। जब मैसेज की बात होगी वहाँ पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन और उसके साथ उस आने वाले कोर्स ऑफ एक्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही लाइकली 80 to 90% इसके चांसेस हैं कि ये सही आंसर आ जाए। इससे बेटर आंसर भी देखते हैं, चलिए कोई मिलेगा हमें। ऑप्शन डी देखते हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ मीट प्रोडक्शन इज अनसस्टेनेबल व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग। एनवायरमेंटल कॉस्ट हमें किस तरीके से दिखी है अभी तक? सिर्फ आखिरी प्रीमाइस ने हमें ये बताया कि पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियस बात है, वो हम अगर इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम अनसस्टेनेबल किसी प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम पानी का वेस्टेज कर रहे हैं। पीने के पानी की तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा हमें किल्लत है, बहुत जगहों पे पानी नहीं होता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ काफी अच्छा आंसर हो सकता था, बट शुरू के जो दो प्रेमाइसिस थे, जो एवियन फ्लू की बात करते थे, जो इनह्यूमन कंडीशंस की बात करते थे, वो चीज़ ये इस पर्टिकुलर मैसेज में क्लेम होती हुई दिख रही है जी नहीं। हाँ एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात हो रही है, बिल्कुल अच्छा आंसर है, बट इन द लाइट ऑफ ऑप्शन सी क्या ये एक बेटर आंसर होगा? जी नहीं, सी एक बहुत बेटर आंसर था। सी ने सारे जितने भी प्रेमाइसिस थे उन सबको के लिए एक मैसेज क्रिएट किया, उसने ओवरऑल सम अप करके बताया एक मैसेज। हाँ ये एक अच्छा इन्फ्रेंस हो सकता है। ऑप्शन डी इज क्लियर इन्फर्ड, ये तो हमें पता है कि इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अनसस्टेनेबल है। ये आप चीप मीट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ताकि लोगों का पेट भर सके, मैक्सिमम जनता का, सस्ते दामों में, लेकिन आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? आप एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी लोगों को जो उसको खा रहे हैं। तो किसी हद तक ये देखा जाए कि ये एक इन्फ्रेंस है, लेकिन एक मैसेज के रूप में नहीं आ रहा है, एक कोर्स ऑफ एक्शन के रूप में नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी एक बेटर आंसर है, ये तो आप समझ चुके हैं, यही क्रिटिकल रीजनिंग का मेन फंडा है। तो चलिए इसको रिजेक्ट करते हैं। ऑप्शन ई देखते हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ मीट कैन लीड टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। कहीं पॉल्यूशन की बात हुई है अभी तक पूरे पैसेज में? जी नहीं, इसको तो बहुत क्लियर रिजेक्ट कर सकते हो आप। सी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। ठीक है, लॉन्गर पैसेजेस हैं, ध्यान रखिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही आसानी से इंटरप्रेट हो सकती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं बढ़ूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी थोड़ा सा लेंदी पैसेज है, फिर से वही डायरेक्शंस हैं, हमें इन्फॉर्मेशन पहले पढ़नी है। ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व्स कॉस्ट, फंडिंग इज वाइटल टू कंट्रीज लाइक इंडिया व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। द प्रॉब्लम इज मोर सीवियर इन द केस ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया गिवन इट्स नीड टू फाइनेंस डेवलपमेंट एंड पॉसिबिलिटी that it will be amongst one of the most badly affected countries by climate change. अब यहाँ पर क्या contention prove करने की कोशिश की गई है? पहला अगर premise हम देखें, यहाँ पे clearly बोला है climate change के बारे में, अगर हम देखें तो यहाँ पे clearly बता दिया है climate change। ठीक है, और climate change हमेशा cost involve करता है, ये भी बता दिया आपने। ठीक है, अगर आप actions ले रहे हैं कुछ, ठीक है, अगर आप कुछ एक्शंस ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उस पे आपने बताया कि कुछ कॉस्ट की प्रॉब्लम आती है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया है। फंडिंग इज वाइटल टू कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पर एक एग्जांपल देने की कोशिश की गई है, बहुत ही क्लियर एग्जांपल देने की कोशिश की गई है कि फंडिंग जो है वो इंडिया के केस में बहुत ज़्यादा वाइटल है। ठीक है, अब अगर आपको मिटिगेशन करना है, ठीक है, अगर आपको किसी तरह अडेप्ट करना है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत ही वाइटल हो जाएगी ये बात, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है। अब यहाँ पर बोला है तीसरी लाइन में, द प्रॉब्लम इज मोर सीवियर इन द केस ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। बार बार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश की गई है, तो इसका मतलब कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। गिवन इट्स नीड टू फाइनेंस डेवलपमेंट एंड द पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी अमंग्स वन ऑफ द मोस्ट बैडली अफेक्टेड कंट्रीज बाय क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ एक बहुत ही क्लियर एविडेंस दिया है कि आप डेवलपमेंट को फाइनेंस करने में अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब कुछ डेवलपमेंट इंडिया में अभी हो रहा है, यानी एक इंडिया प्रूव होता हुआ दिख रहा है यहाँ से, एक डेवलपिंग कंट्री, क्या हम ये बोल सकते हैं? अब यही एक बहुत बड़ा इशू आएगा, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑथर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हमको डेवलपमेंट को फाइनेंस करना है, तो हमें इतना तो मालूम है कि आने वाले समय में हम क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले पैसेज में देखा, जब हम कुछ चीज़ फैक्ट्री डाल रहे हैं, हम कोई मीट प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो हमें ये तो पता ही है कि उसकी कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट होगी। तो ये जब आप किसी डेवलपिंग कंट्री के बारे में आप बात करोगे, तो ये तो कन्फर्म है कि वो कहीं ना कहीं अपने क्लाइमेट से, एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा अगर वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है, इस बारे में बात जो हो रही है। However, the redeeming factor is that, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा उसको ease out करा है, strengthen करने की कोशिश की गई है, that most of the countries of the world acknowledge the fact that climate change is a real threat. अब बहुत सी countries ये मान चुकी हैं कि climate change एक real threat है, और वो they are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner with the limited resources at their disposal. बहुत ही limited resources होंगे उनके पास, लेकिन फिर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कुछ मिटिगेशन प्लान्स बना रहे हैं ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें अपने डेवलपमेंट के पाथ में। अब थ्रू आउट इस पूरे पैसेज में एक बात तो क्लियर हो चुकी थी, आपने दो बार इंडिया को इको किया, आपने बताने की कोशिश करी कि यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, यानी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। कहीं हद तक ये हमें समझ में आ गया कि ये सारी बातें आपने बार बार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एज अ डेवलपिंग कंट्री बताई, फिर आपने उसको कंपेयर किया अदर कंट्रीज़ के तरीक़ों से। तो कहीं ना कहीं अब हमें ऑथर का कंटेंशन ये समझ में आ गया कि क्लाइमेट चेंज इंडिया के लिए एक चैलेंज है, एक एज अ डेवलपिंग कंट्री, ये हमें थ्रू आउट एक जिस समझ में आ चुका। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको ये तीन स्टेटमेंट्स कंसिडर अभी भी करने हैं और फिर क्वेश्चन आएगा इसके आगे। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, पहला बताया गया है। देखिए, मैंने आपसे यही बात बोली थी कि थ्रू आउट उन्होंने बोला इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बार बार आप इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, फाइनेंस डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, और यहाँ पहली लाइन में आपने बोला दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि कहीं ना कहीं ऑथर ने ये एज्यूम कर लिया था, ये मान लिया था कि हम डेवलप कंट्रीज़ के लिए तो क्लाइमेट चेंज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो अपने आप मैनेज कर लेती हैं, और लास्ट लाइन में उसने ये चीज़ प्रूव करने की भी कोशिश की। अदर कंट्रीज़ जब आप बोलते हो तो यानी कि जो कंट्रीज़ अभी डेवलप हो चुकी हैं, जब आप बोल रहे हो डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि फाइनेंस डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हो तो इंडिया को आप बार बार एड्रेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑथर के माइंड में ये तो हमेशा एजम्पशन पहले से ही था कि शायद ये प्रॉब्लम जो थ्रू आउट जो हम स्ट्रेटजी और मिटिगेशन की अडेप्टेशन की बात कर रहे थे क्लाइमेट को लेकर के, वो सिर्फ डेवलप्ड अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है। ठीक है ना, तो इसका मतलब डेवलप कंट्रीज़ आपने ऑलरेडी ये मान के चल रही हैं कि वो क्लाइमेट चेंज उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बार बार आप यही बात बोलते हो इंडिया को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो अ डेवलपमेंट इशू फॉर मैनी कंट्रीज़। काफ़ी हद तक ये हमें इन्फर होता हुआ दिखा, बहुत ही क्लियर इन्फरेंस था, बहुत ज़्यादा। जैसे अब इंडिया को आप कंपेयर कर रहे थे अदर कंट्रीज़ के साथ कि उनके लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो जाएगा क्योंकि उनको डेवलपमेंट भी करना है और अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है, तो क्लाइमेट चेंज को रोकना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, उनको उसको भी लेके चलना होगा साथ में। तो काफ़ी हद तक ये क्लियर इन्फ्रेंस है। चलिए देखते हैं तीसरा क्या कहता है। डाइवर्स वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर एडेप्टिव कैपेसिटी। काफ़ी हद तक ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा तीसरा, बहुत ही क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन दिखेगा, महसूस हो रहा है हमें। यहाँ पर आपने बता दिया था फाइनेंस डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी, तो हमें नए तरीकों से फाइनेंस करना होगा, नए मीन्स ऑफ फाइनेंस ढूंढने होंगे ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनी अडेप्टेशन को बढ़ा सकें और किसी तरह क्लाइमेट चेंज से भी बच सकें। अब यहाँ जो सवाल पूछा गया है, आइडेंटिफाई द वैलिड एजम्पशन, ये पूछा गया क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वैलिड एजम्पशन इन द कोविन कॉन्टेक्स्ट। तो हमने पहले ही एजम्पशन ले लिया, बहुत सी वेबसाइट्स ने ऑप्शन 2 को एजम्पशन माना है, बट बिल्कुल क्लियर एजम्पशन होगा, मुझे जहाँ तक लगता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ऑप्शन 1 हमें एक क्लियर एजम्पशन दिखा ऑथर का कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में आपने थ्रू आउट कोई बात नहीं की है। ठीक है, कहीं भी इको होता हुआ नहीं दिखा, बिल्कुल इम्प्लिसिट था, पर बार बार इस बात पे एम्फेसिस करना कि इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट हैज़ टू फाइट विद क्लाइमेट चेंज, हैज़ टू अडेप्ट न्यू पॉलिसीज, न्यू कॉम्प्लेक्स इशूज़, कहीं ना कहीं ऑथर के माइंड में ये एजम्पशन था कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, और ये एकदम क्लियर एजम्पशन करके उसने इस पैसेज को बनाया, क्योंकि आप अदर कंट्री से भी जब कंपैरिजन कर रहे थे तो इसका मतलब आपने इंडिया को अलग एक श्रेणी में रखा और दूसरी श्रेणी आपने अदर कंट्रीज़ की वो बनाई होगी। ऑब्वियसली बात है, कंट्रीज या तो डेवलप्ड होंगी या अनडेवलप्ड होंगी। ठीक है, या तो वो डेवलपिंग स्टेज में होंगी या वो बिल्कुल डेवलप हो चुकी होंगी। मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ हम इसमें डाल सकते हैं श्रेणी। तो बिल्कुल क्लियर हमें ये एजम्पशन दिख रहा था, बहुत ही क्लियर आंसर होगा ये। तो अगर हमें ऑप्शंस देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 3, ऑप्शन ई 1 ओनली बताता है, और मेरा आंसर ऑप्शन ई ही होगा। बहुत सी वेबसाइट्स ने 1 और 2 दोनों को लिया है, बट 2 एकदम क्लियर इन्फ्रेंस है तो मैं उसको एजम्पशन की श्रेणी में क्यों डालूंगा। प्री कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट तो हमें याद है, आप यहाँ से भी अब एक मैंने लेसन बताया है आपको लेसन नंबर 39 में कि इन्फ्रेंसेस कोर्स ऑफ एक्शंस में और एजम्पशंस में हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और ये सवाल बिल्कुल क्लियर वो बताता है। यहाँ पर इन्फरेंस भी था, यहाँ पर एजम्पशन भी था, और यहाँ पर आपको क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन भी दिखा। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शंस आप पढ़ सकते हैं, 3 कोर्स ऑफ एक्शंस फॉलो होंगे। On the basis of the information given, you have to assume everything in the statement to be true and then decide which of the suggested course of action follows. ठीक है, चलिए problem statement पढ़ते हैं क्या है। The new methodology to calculate foreign ownership limit that global index provider MSCI has proposed could lead to sharp outflow from Indian stocks. यहाँ पर एक नया कुछ methodology आएगी जो हमारे foreign ownership limit को बताएगी, यानी कि उसका प्रोसीजर बताएगी। उसके लिए एक संस्था है, कौन सी, MSCI, जो यहाँ बताया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है। अब उसने बताया कि आपकी फॉरेन किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में कुछ फॉरेन ओनरशिप लिमिट होती होगी, उसको कैसे उनको कैलकुलेट करना है, इस बारे में नया प्रपोजल लाया गया है। लेकिन ऐसा अगर वो कर देंगे तो एक दिक्कत आएगी, और वो क्या दिक्कत है, दैट विल बी शार्प आउटफ्लो फ्रॉम द इंडियन स्टॉक्स। बहुत से इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स में से बहुत से लोग पैसा निकाल ले जाएंगे, क्योंकि आप फॉरेन ओनरशिप दूसरे तरीके से कैलकुलेट करने जा रहे हैं अब। ठीक है, बहुत सी कैप्स होती हैं, बहुत सी लिमिट्स होती हैं, जिनके ज़्यादा होने के चांसेस नहीं हो सकते। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले सेबी में इन्फॉर्म करना पड़ता है, तभी कोई कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। बहुत से नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप स्टॉक्स में देखोगे, अगर फॉरेन ओनर ग्लोबल इंडेक्स है तो ऑब्वियसली बात है हर चीज़ की वैल्यू है। आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन करने जा रहे हो किसी तरीके की, उसके स्टॉक्स पर असर आएगा उसका। तो ये तो पूरे थ्रू आउट हमें समझ में आ गया कंटेंशन। अगर मुझे इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तो भी मुझे ओवरऑल कंटेंशन तो समझ में आ गया कि क्या कहने की कोशिश हो रही है। चलिए देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन क्या बताया गया है। द ओवरऑल वेट ऑफ इंडिया इन द MSCI एमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 8.55% इफ द प्रपोजल गोज इन टू इफेक्ट। ये तो एकदम इफेक्ट बताया है आपने, ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकता, एक कॉज इफेक्ट है, इसका इफेक्ट आएगा। जो ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन है एक तरीके से, इसके लिए कॉज है एक तरीके से, और उस कॉज का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन के लिए रिजेक्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा। MSCI विल सीक टू एक्सक्लूड द शेयर्स बीइंग ऑफर्ड थ्रू ग्लोबल एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वाइल कैलकुलेटिंग फॉरेन ओनरशिप लिमिट्स। अब कुछ करेगी MSCI इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, कुछ ऐसा शेयर्स को एक्सक्लूड कर देगी उनको जो इस तरीके की दिक्कत ला रहे हो, जिसमें फॉरेन ओनरशिप लिमिट हो। ये बहुत ही अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, ताकि इस तरीके की दिक्कत ना आए कि लोग स्टॉक्स में से पैसा निकाल ले जाएं, क्योंकि उनकी लिमिट उसमें नहीं दिखेगी उनको। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, वाइल डिटरमाइनिंग द वेट ऑफ द कंपनी MSCI will टेक इनटू कंसिडरेशन पैरामीटर्स इंक्लूडिंग द फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर which determines the total proportion of shares of the company that offshore investors can buy from exchange। यानी बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ एक नया सा एक वेटेज बनाया जाएगा अलग से, ताकि इस चीज़ को हम FIF में कंसिडर ना करें, बहुत एक अलग से एक इंडेक्स बना दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, ताकि प्रॉब्लम ना आए, लोग पैसा ना निकाले स्टॉक्स में से। तो 2 और 3 बिल्कुल क्लियरली फॉलो होते हुए दिखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, कंफ्यूज करता था थोड़ा सा ऑप्शन 1, लेकिन वो तो हम अपने बेसिक्स को जानते हैं। तो ऑप्शन C पे बिल्कुल सीधा टिक लगाएंगे, और इसका सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं बढ़ूंगा 4th क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिर से थोड़ी सी ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं, डायरेक्शंस फिर से ही, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और सवाल का जवाब देना है जो नीचे दिया हुआ है। इंडिया अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO से मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इज बट ऑफ कोर्स बाउंड बाई इट्स एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस। यहाँ पहले ही में बताया गया है कि इंडिया कुछ बाउंड है किसी एग्रीमेंट से, किसी कन्वेंशन से, किसके साथ, WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, आर्टिकल 6 ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीमाइस है ये, यहाँ पर क्लियरली बताया है कि एग्रीमेंट जो हमने बनाया है WTO के साथ एग्रीकल्चर को लेकर के, 6ठे आर्टिकल में क्लियरली लिखा है दैट इट डील्स विद द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, MSP, जो हम देखते हैं आज बहुत सी 18 लगभग क्रॉप्स हैं जिनको हम, जिन पे जो MSC ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगता है, गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है जो कि मार्केट वैल्यू से ऊपर होती है, ताकि फार्मर्स का नुकसान ना हो, और उनसे खरीदती है और कम दामों पे उसको बेचती है, गवर्नमेंट पब्लिक को देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू आउट, ये हमें पता है सिस्टम कम दामों में दिया जाता है, सब्सिडी होती है उसके अंदर। अब यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर कुछ उस इन सब चीज़ों की वजह से जो सब्सिडी देती है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, उसकी वजह से कुछ ट्रेड में डिस्टॉर्शन है, और ये क्लियरली बताया गया है आर्टिकल 6 में ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर विद दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कुछ हाथ बंधे हुए हैं हमारी गवर्नमेंट के, कुछ ट्रेड डिस्टॉर्शन होती है उससे, इसीलिए उनको ऐसा बोला गया है। क्या बोला गया, चलिए देखते हैं आगे। इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू वेरियस लिमिटेशंस, वन ऑफ देम बीइंग द फैक्ट दैट द सब्सिडी अराइजिंग फ्रॉम मिनिमम सपोर्ट्स cannot exceed 10% of the value of agriculture production for developing countries। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आप उनके लिए जो मिनिमम सपोर्ट आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन का, 10% से ज़्यादा आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, ये हमें पता है। द PDS सिस्टम इन इंडिया एडहर्स टू द प्रोविजन ऑफ द MSP। मैंने अभी बताया था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जैसे जो राशन बंटता है वो MSP के से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये तो हमें पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़ा हुआ है। एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टॉक होल्डिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स। और जितना भी जो धान है वो उसको आपने देखा होगा गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर कर लेती है और फार्मर से उसका स्टोर करती है और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बेचती है. It is contemplated that in the coming year, the subsidy given to the producers will exceed 10% of the value of the agriculture production. और ऐसा होगा कि आने वाले समय में 10% से ज़्यादा सब्सिडी आप दे रहे होंगे एक समय पे, तो वो ट्रेड के लिए डिस्टॉर्शन होगा. बाहर के देश से हमने और बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हमने पहले ही करार कर रखा है कि हम 10% ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते प्रोडक्शन के ऊपर. उनके लिए दिक्कत होगी, उनको भी अपना मार्केट में माल बेचना होगा. इस तरीके की बात होगी कुछ. तो इन सब चीज़ों से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. और यहाँ पर भी बहुत आसान सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ द मोस्ट क्रूशियल मैसेज कन्वेड इन द पैसेज. बिल्कुल क्रूशियल मैसेज जो देखने को आएगा वो हम ऑप्शंस में देख लेंगे. ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है. ट्रेड डिस्टॉर्टिंग वाली बात तो हमें समझ में आ गई है सब्सिडी की वजह से. तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, इंडिया शुड रिवाइज इट्स पीडीएस. क्या हमें अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिवाइज कर देना चाहिए? देखिए, अगर हम ऐसा करेंगे, इस तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे, तो बहुत सारी दिक्कत होगी हमारे देश में. कई हद तक हम लोग अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने सब्सिडी से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से कहीं डायरेक्टली जुड़ रहा है? जी नहीं. हाँ, एमएसपी जुड़ता है हमारे प्रोडक्शन से. आप प्रोडक्शन में आप सब्सिडी दे रहे हो, 10% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते प्रोडक्शन की, फिर भी आप बहुत ज़्यादा प्राइस पे खरीद ले रहे हो फार्मर से, तो आप एक तरीके से सब्सिडी ही दे रहे हो. तो पीडीएस की इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये आंसर नहीं हो सकता. चलिए बी देखते हैं, इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्या हमें WTO छोड़ देना चाहिए? क्या हम देश दुनिया को अपने देश को दुनिया से काट सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही अलग बात होगी क्योंकि हमें फंडिंग मिलती है वहाँ से काम करने के लिए, तो हम ये भी नहीं कर सकते. ये बिल्कुल रिजेक्ट होंगे दोनों आंसर्स. सी देख लेते हैं, फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विद ट्रेड. क्या ये मैसेज कन्वे होता हुआ दिखा पूरे जिस्ट में से? बिल्कुल क्लियर दिखा कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी प्लान है, यानी हमारा पीडीएस सिस्टम है, वो किसी तरह हमारे ट्रेड से कोलाइड कर देगा, क्योंकि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट है कि हमें सब्सिडी 10% से ज़्यादा नहीं देनी है, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं और हम अपने एमएसपी जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा करके हम खरीद रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो कि जुड़ी हुई है एमएसपी से, यानी कि पीडीएस सिस्टम जो जुड़ा है एमएसपी से, कहीं ना कहीं कोलाइड कर जाएगा ट्रेड की वजह, ट्रेड से हमारी दिक्कत आ जाएगी. ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो हमें समझ में आ चुका था. ये वो कंक्लूजन है जिसे वो सारे प्रीमाइसेस प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, ये वो कंक्लूजन है जिसको सारे प्रीमाइसेस प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर आंसर दिखता है मुझे. फिर भी मैं डी देखूंगा, इंडिया प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर. ये तो हमें पता ही चल चुका था, बट एक इन द लाइट ऑफ ऑप्शन सी बहुत ही वेग आंसर होगा. ये तो सबको पता है कि पीडीएस सिस्टम का सीधा मतलब यही है कि हमें पुअर को पैसा फूड सिक्योरिटी देनी है. अंडरस्टूड एजम्पशन है एक तरीके का, तो मैं इसको सी के लाइट में तो आंसर नहीं मानूंगा. और आंसर ई बोलता है नन ऑफ दी अबव, तो मैं इसको भी रिजेक्ट करूंगा. सी मेरे को बिल्कुल क्लियर आंसर दिखा, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, इसके रीजंस हैं मेरे पास. तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, पढ़ सकते हैं आप क्लियरली. और मैं बढ़ूंगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ. आज का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन था ये, बट फिर भी हम डिस्कस जरूर करेंगे इसको. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मुझे लगा शायद आपकी ओपिनियन मुझे लेनी चाहिए इसमें. चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था इसमें, असम्पशंस पूछे गए थे. चलिए देखते हैं, द अमेरिकन फोटोग्राफर एंड राइटर Thomas Laird spent a decade living among yak herders, farmers and monks while traveling across the Tibetan Plateau in search of masterpieces that few have been able to see, let alone photograph. यहाँ पर एक अमेरिकन फोटोग्राफर और राइटर की बात की गई है, थॉमस लेड की बात की गई है. उन्होंने 10 साल लगाए, फार्मर्स और हर्डर्स के साथ रहे, वो मॉन्क्स के साथ रहे टिबेटन प्लेटो पे. उन्होंने उन मास्टर पीसेस को ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे जो लोगों ने आज तक देखे नहीं थे. ठीक है, सिर्फ फोटोज़ में देखे थे. लेट अलोन फोटोग्राफ में क्लियरली बता दिया कि फोटोज़ में जो चीज़ देखी थी उसको आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाह रहे थे. आपने 10 साल, पूरे 10 ईयर्स आपने वहाँ ये लगा दिए, तो वो कुछ मान के चल रहे होंगे, कुछ एज्यूम करके चल रहे होंगे और ये पैसेज बना होगा. चलिए क्या एज्यूम किया होगा, द ओनली वे ऑफ नोइंग अ कंट्री इंट्रिंसिकली इज बाय स्पेंडिंग टाइम लिविंग इन द कंट्री साइड विद द फार्मर्स. ये एज्यूम किया होगा मिस्टर थॉमस लेड ने, ये मैं मान के चल रहा हूँ, और यही हमारे ऑथर ने भी एज्यूम कर लिया होगा, तभी उसने ये चीज़ लिखी होगी कि वो मान के चल रहे थे कि शायद अगर हम 10 साल कंट्री साइड में रह लेंगे, तो उसके फार्मर्स के साथ अगर हम रह लेंगे तो शायद हमें वहाँ पर हम उस देश को जान पाएंगे, समझ पाएंगे. ठीक है, और हम उन मास्टरपीसेस को ढूंढ पाएंगे. ये एज्यूम कर सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. बड़ा एम्बिग्यूस वाला क्वेश्चन था ये, मैंने इसीलिए इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका कोई तथ्य नहीं मिला. बहुत से वेबसाइट्स ने इसका आंसर ट्रू रखा है, ऑप्शन वन को एजम्पशन माना है, तो मैं आपके ओपिनियन पे छोड़ूंगा इसको. चलिए देखते हैं टू क्या कहता है, द थॉमस लेड वॉज सर्टेन दैट ही वुड डिस्कवर मास्टर पीसेज दैट हैव हिथरटू रिमेन हिडन फ्रॉम द पब्लिक आई. ये भी मान के चल रहे होंगे कि शायद अगर पब्लिक के आइज से कुछ चीज़ें नहीं दिखी हैं तब भी वो उन मास्टरपीसेस को डिस्कवर कर पाएंगे, तभी उन्होंने वहाँ दस्तार लगा दिए। ये भी क्लियर एजम्पशन हो सकता है, ठीक है, बट मेरे पास इसका भी बहुत डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके के सवालों को तो मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा जहाँ कम इन्फॉर्मेशन होती है और एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है। तीसरा कहता है, थॉमस लेयर्ड स्पेंड ऑलमोस्ट 10 years लिविंग इन द टिबेटन कंट्री साइड बिकॉज ही फेल्ट द नीड टू डिस्कवर समथिंग न्यू। अब 10 साल वो वहाँ रहे, ये एक ओपिनियन की तरह सवाल पूछ लिया गया। 10 साल वहाँ रहे, वो शायद कुछ ढूंढना चाह रहे थे, कुछ मास्टरपीसेस ढूंढना चाह रहे थे, तो हमें पता था, ये तो क्लियर हमें वहाँ पे कॉज इफेक्ट दिखा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 और 2 बहुत ही सही आंसर होंगे, वो इम्प्लिसिट एजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पे पूरा पैसेज बनाया गया, पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ प्योरली, तो मैंने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, और अगर मैं इस तरीके के सवालों को काउंटर करूंगा एग्जाम में तो मैं ज़रूर छोड़ूंगा। 5 में से अगर 4 क्वेश्चन मैं सही कर पा रहा हूं और 1 छोड़ सकता हूं, तो नो बिग डील। जहां कम इन्फॉर्मेशन है और एम्बिग्यूटी ज़्यादा, उसको मैं छोड़ सकता हूं, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है मेरी एग्जाम में, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम 5 के 5 सही करके आएँ, अगर हमें नहीं आ रहा है, एम्बिग्यूटी ज़्यादा बढ़ रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कम इन्फॉर्मेशन है, तो मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। देयर इज़ नो बीइंग अशेम्ड ऑफ दिस थिंग, और इसको हम छोड़ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिल पाएगा आपको। इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करूंगा। आई होप इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से जय हिंद।